हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच 22 रसोई। वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में हम हमारे लव वंस के लिए कुछ अच्छा तो बनाएंगे। तो मैंने आज पिज्जा पराठा ट्राई किया है, बिल्कुल चीजी रेसिपी है और कोई तामझाम नहीं है इसमें। तो चलिए बनाते हैं पिज्जा पराठा। सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। एक बड़ी परात लेंगे और अब उसमें 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे ताकि आटे से सॉफ्ट पराठे बने। आप यहाँ सिर्फ गेहूं का आटा या फिर सिर्फ मैदा कभी यूज कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जरूरत अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। यहाँ हमें पराठे के आटे जैसा डो रेडी करना है। डो रेडी हो चुका है, तो अब उसे हम थोड़े से ऑयल से ग्रीस करेंगे और 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। तब तक पिज्जा पराठा के लिए हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो 1 बड़ा बाउल लेंगे। अब 1.5 कप मोजेला चीज लेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा चीज भी यूज कर सकते हैं। अब 1 मीडियम साइज का कांदा छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेंगे। 1 छोटा गाजर यानी कि कैरेट, 1/2 कैप्सिकम, 1/4 कप मकाई यानी कि कॉर्न, उसे भी हम थोड़ी क्रश करके लेंगे। 1 मीडियम साइज टमाटर भी हम फाइन काट कर लेंगे। अब 1/4 कप ऑलिव्स, वो भी हम काट कर लेंगे। अब 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच मिक्स हर्ब या फिर ओरेगानो भी आप ले सकते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी सब्जियों में से आपको जो भी सब्जी स्किप करना है ना, वो आप स्किप कर सकते हो। अब हमने जो डो बनाकर रखा था ना, उसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे। अब उनमें से 1 समान साइज के 2 पेड़े रेडी कर लेते हैं। अब थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे और 1 समान रोटी की साइज का बेलेंगे। ये 1 रोटी रेडी हो चुकी है, तो साइड में रखकर दूसरी भी बेल लेंगे। अब इस पर पिज्जा सॉस चारों ओर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे कि साइड्स को थोड़ी हमें खाली रखनी है ताकि हम पराठे को अच्छे से सील कर सकें। अब स्टफिंग अपने हिसाब से डाल दी। मैंने यहाँ 4 चम्मच जितना स्टफिंग डाला है। अब दूसरी रोटी से इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। और ऐसे साइड को दबाकर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और एक बार दोनों तरफ से बेल लेंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से फैल जाए। अब दूसरा तरीका, तो इसमें मैंने सिंपल तरीके से ही, जैसे हम आलू पराठा बनाकर रेडी करते हैं ना, वैसे ही मैंने रेडी किया है ये पराठा। यहां मैंने 1 इंच जितना थोड़ा सा बेल लिया है। अब इसमें पिज्जा का सॉस हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और थोड़ा 2-3 चम्मच जितना हम इसमें पिज्जा स्टफिंग फिल कर लेंगे और बाद में ऐसे चिपटियां लेते जाएंगे और इसे कवर करते जाएंगे। और फिर ऐसे सील करके हम इसे थोड़ा सूखा आटा डस्ट करके रोल कर लेंगे। पर इसमें साइड्स थोड़ी फट सकती है।
अब नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और थोड़ा गर्म करेंगे। अब उस पर हम पराठे को रख देंगे। जब एक साइड अच्छे से पक जाए तब हम इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड को भी हम पकने देंगे। जब दूसरी साइड अच्छे से पक जाए तब उस पर 2 चम्मच जितना घी या फिर ऑयल डालकर उसे पलटा के दूसरी साइड को भी हम सेक लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड को अच्छे से कुक कर लेंगे। तो रेडी हो चुका है हमारा एक पराठा। अब दूसरा पराठा भी पका लेते हैं। इसमें चारों ओर अच्छे से प्रेस करके कुक करिएगा ताकि किनारियां कच्ची ना रहे। ये देखिए बना है ना एकदम चीजी पराठा। अब इसे हम काट लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ये दूसरा वाला भी काट कर दिखा देती हूँ। तो ये भी देखिए कितना चीजी बना है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट शुक्रवार।